आपका स्वागत है। आज में हम ब्रेड से ऐसा डिजर्ट बनाने वाले हैं कि आप और आपके बच्चे इसको खा के आप ये खिलाएंगे वो कभी गैस ही नहीं कर पाएंगे कि ये किस चीज का बना हुआ है। आज हम ब्रेड का हलवा बनाने वाले हैं। इतने क्विकली ये बन जाता है और इतना डिलिशियस लगता है कि आप वाह वाह करते नहीं थकेंगे। तो आई एम श्योर जब ये रेसिपी आपको पसंद आती हो तो लाइक बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। साथ में कॉमेंट्स में हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ऐसी ही मजेदार क्विक बनने वाली सिंपल इजी रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। चलिए आइए ये ब्रेड का हलवा सीख लेते हैं। आइए इस बहुत ही बेहतरीन और बहुत सिंपल से हलवे के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 स्लाइसेस वाइट ब्रेड ली है, 1 बड़ा स्पून देसी घी, 2 बड़े चम्मच शुगर, 1 ग्लास से थोड़ा सा कम यानी कि अराउंड 250 ml हमने मिल्क लिया हुआ है। चलिए फटाफट से ये हलवा बना लेते हैं। ग्राइंडिंग जार में ब्रेड्स को छोटे पीसेस में तोड़ करके हम डाल देंगे। इसका हमें पाउडर बना लेना है। ये हमने ब्रेड को ग्राइंड कर लिया है, आइए हलवा बना लेते हैं। सबसे पहले पैन में हम ऐड कर देंगे देसी घी। देसी घी जब गर्म हो जाए तो फ्लेम को कम करके उसमें हम ब्रेड ऐड कर देंगे और घी के साथ अच्छे से इसको भून लेंगे। और ये ध्यान रखिए कि फ्लेम को हमें एकदम धीमे ही रखना है। अराउंड 4 से 5 मिनट हमें इसको धीमे आंच पे ही भूनना है। 4 से 5 मिनट हो गए, हमने इसको बहुत अच्छा भून लिया है और एकदम ब्राउन कलर भी आ गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम शुगर। शुगर ऐड करने के बाद एक मिक्स दे देंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे मिल्क। और मिल्क ऐड करने के बाद आप फ्लेम को तेज कर दीजिए और एक बार अच्छे से एक मिक्स दे दीजिए। और बीच बीच में जब ये बॉईल ले रहा हो मिल्क, तभी भी इसको थोड़ा थोड़ा चलाते रहिए। एकदम क्विकली बनने वाला बहुत ही बेहतरीन डेजर्ट होता है। जब आप किसी को इसको खिलाएंगे तो कोई गेस भी नहीं कर पाएगा कि ये किस चीज का हलवा आपने खिलाया है। तो मेरी रिकमेंडेशन है, इसको ट्राई जरूर करिएगा। आपको कैसा लगा कमेंट्स में हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी देखते रहिए इस रेसिपी को कि इसका आउटकम क्या होता है। अराउंड 2-3 मिनट में ही ये अच्छा पक के रेडी हो गया है। एकदम हलवे वाली कंसिस्टेंसी आ गई है इसमें। तो अब फ्लेम को बंद कर लेते हैं और इसको प्लेट कर लेते हैं। आई एम श्योर आपको ये इजी सी रेसिपी पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करके सबके साथ जरूर शेयर करिएगा।